दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं ऑरलैंडो के एक शहर लेक मेरी में। ऑरलैंडो जो है अमेरिका का सबसे खूबसूरत शहर है। जी हाँ, वहाँ डिज्नीलैंड, डिज्नी वर्ल्ड और यूनिवर्सल स्टूडियोज़ हैं और ऑब्वियसली सी वर्ल्ड भी है। दुनिया की बेस्ट अट्रैक्शन फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में है। तो यहाँ हम आए हुए हैं लेक मेरी में, जहाँ हमारे दोस्त अदनान मेमन रहते हैं अपनी खूबसूरत फैमिली के साथ। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अदनान से और उसकी फैमिली से और आपको बताते हैं उनकी अमेरिकन स्टोरी। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अदनान के घर पर और अदनान से और उनकी बीवी से और उनके खूबसूरत बच्चों से हम मिलेंगे और आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तानी फैमिली है वो अमेरिका में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती है, अदनान ने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अचीव की हैं और पाकिस्तान की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में क्या फ़र्क है। तो हम अदनान के घर पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक मंजू भाई, वेलकम, थैंक यू सो मच। आ जाए प्लीज, आ जाए। दोस्तों अदनान के घर आ चुके हैं, ये उनकी मिसेज हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हैं। तो चलिए अदनान भाई, हम बैठते हैं, आपसे बातचीत करनी है, लेट्स टॉक। और फिर जो हमारे ऑडियंस है वो आप लोगों के बारे में ऑब्वियसली जानना भी चाहते हैं। आपने हमारे लिए जबरदस्त किस्म के ब्रेकफास्ट का भी बंदोबस्त किया हुआ है, तो वो भी आपके पास खाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस भाभी एंड अदनान। थैंक यू। तो अदनान भाई बताइए, कब आप यहाँ पर आए और आपका अमेरिका का सफर कैसे शुरू हुआ? मंसूर भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप आए हमारे घर पे। और अमेरिका में 2016 में आया हूँ। अमेरिका का सफ़र बहुत स्मूथली गुजर गया और बड़े अच्छे तरीके से वर्क वीज़ा पे आए। पाकिस्तान में बेसिकली मैं मोरो से हूँ, लेकिन मेरी एजुकेशन हैदराबाद एंड कराची से। तो अदनान आप यहाँ पर क्या जॉब करते हैं ये बताइए थोड़ा सा। मंसूर भाई, यहाँ पे मैं हूँ 4G एंड 5G डिजाइन इंजीनियर हूँ। AT&T वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी टेली कम्युनिकेशन। मेरा एक्सपीरियंस है 10-11 साल का पाकिस्तान में। एरिक्सन में मैं एज अ लीड था टेक्निकल इंजीनियरिंग साइड पे। फ्लोरिडा में पूरा फ्लोरिडा का 4G 5G में डिजाइन करता हूँ। अच्छा, हाँ। तो बस, तो अदनान भाई ये बताइए कि पाकिस्तान की जॉब में जो आप वहाँ जॉब करते थे और यहाँ की जॉब में क्या क्या फर्क है, कौन सी जॉब ज्यादा ईजी है या डिफिकल्ट है? मंसूर भाई, यहाँ पे जॉब करना बहुत ईजी है बनिस्बत पाकिस्तान से। पाकिस्तान में 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता था। अच्छा, हाँ, मैं वहाँ भी 10-11 साल काम करके आया हूँ और यहाँ पे भी काम कर रहा हूँ 5-6 साल से। तो यहाँ बहुत ईजी जॉब है, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर आपको सपोर्ट करते हैं। आपको कोई चीज़ अगर नहीं भी आती तो आपको वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में तो आपने ही करना है, सब कुछ करना है। तो 12-14 घंटे काम करता था मैं पाकिस्तान में। और यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत जबरदस्त है, यहाँ बहुत जॉब करना बहुत इजी है। भाभी आप बताइए, पाकिस्तान आपको याद आता है? बहुत पाकिस्तान याद आते हैं, हमारे पेरेंट्स वहाँ पे हैं तो बहुत मिस करते हैं। अमेरिका में आपको मजा आता है? जी बहुत मजा आता है, बच्चे सेट हो गए हैं यहाँ पे आके और ये बड़ी खुशी की बात है। बच्चे मेरे सेट हो गए हैं यहाँ पे, उनको मजा आता है, सब घर पे ही है, मजा आता है, साथ है। अदनान भाई आप बताइए, कभी भाभी से झगड़ा हुआ? नहीं नहीं नहीं, बड़ी अच्छी कॉर्पोरेटिव है और बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस सब ये बहुत याद आते हैं सबको, मैं बहुत मिस करती हूँ, पेरेंट्स को, बहन को और रिलेटिव्स हैं, कजन्स को। अदनान भाई कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने घर वालों को, दोस्तों को? बस सब खुश रहें और सबका ख्याल करें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और सबके लिए अच्छा सोचें। ये देखें जबरदस्त किस्म का हमारे लिए पराठा बना रही हैं। भाभी क्या बना रही हैं आज? मैं सेवैया बना रही हूँ, अंडा बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। सेवैया, रोटी, अंडा, ये देखें पूरा पाकिस्तानी माहौल। भाभी ने ऐसा लग रहा है कि हम लोग हैदराबाद में बैठे हुए हैं।
जबरदस्त। अरलान भाई क्या है नाश्ते में, क्या प्लानिंग है आज की? मंसूर भाई गरम गरम पराठे हैं और ऑमलेट है, हाफ फ्राई है, छोले हैं, सवैया हैं और अदरक वाली देसी दूध पत्ती चाय है। जबरदस्त, बड़ा अच्छा मौसम है, नाश्ता करके फिर हम अपने प्लान के हिसाब से निकलते हैं। दोस्तों जबरदस्त किस्म की सेवैया बन रही है हमारे लिए, ये देखें हल्दी की, तरह की अदरक की जबरदस्त चाय बन रही है सिंधी स्टाइल में। ये भाभी ने सेवैया बनाई है, ये भाभी अंडे बनाए, कल से हम लोग बिरयानियाँ खा रहे हैं। आपकी सास ने आपको मदद की खाना बनाने में बहुत ज़्यादा? और आप क्या चाइनीज वगैरह बनाती हैं या सिर्फ हर चीज़? कौन कौन सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी बनाती हैं भाभी? और ज़बरदस्त किस्म का हमारा सिंधी नाश्ता तैयार है। दोस्तों ये जो सेवैयाँ होती हैं ये सिर्फ सिंधी नाश्ते में ही आपको मिलेंगी, बाकी दूसरी कम्युनिटी के लोगों के पास मैंने ये बहुत कम देखा है। आपने बताया कि ईमान ने भी आज कुछ खाने बनाए, ईमान आपने क्या बनाया है बताइए? ऑमलेट। तो ये देखें ये ईमान ने जो है ऑमलेट हमारे लिए बनाया है ज़बरदस्त। ईमान जो हैं वो अमेरिका में ऑरलैंडो में रहती हैं और हमारे दोस्त अदनान की बड़ी बेटी हैं। सो ईमान बताइए अपने बारे में, टेल अस लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। हाय, आई एम ईमान एंड आई एम 13 एंड अ हाफ इयर्स ओल्ड। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? ग्रीनवुड लेक्स मिडिल स्कूल। ओके, एंड हाउ मेनी पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल? आई थिंक ओनली वन। Okay, you came here about 4 years ago, right? Yes. So what is the difference between schools in Pakistan versus schools here? Here there's more organized, but in Pakistan not really. And it's more cleaner here than in Pakistan. Do you miss your friends in Pakistan? Yeah. Okay, and what do you do when you miss them? I usually video call them, FaceTime them. Okay, so you talk, you are in contact with them, right? Yes. All right. And what are your favorite subjects? Math, science. Okay. School. Do you like your mom and dad? Obviously, I love them. Okay. Why do you like them? Because they do everything for me and for us. Okay. Like what? Like buy whatever I say and buy me and do whatever I say. Yeah. Okay. Do what do you want to do in your life? My dad saying to be a computer engineer like he is, so I think that's the goal. So do you listen to your dad? Do you have any other thing in your mind if you want to do? Wanna be a doctor, I think, because that's what I think I wanna be, but if he's saying that I'll do it. अदनान भाई ऐसा कोई फन वाकया बताएं जो अमेरिका में आपके साथ या आपके बच्चों के साथ हुआ है, क्योंकि मैंने आपकी जब बेटी से बात की थी तो वो कुछ बता रही थी कि कोई न्यूयॉर्क का कोई किस्सा है, तो वो बताइए हमारे नाज़रीन को, सुनना चाहते हैं हम लोग। हाँ, एक मरतबा मैं जब मैरीलैंड से फ्लोरिडा मूव हुआ था तो एक महीने बाद फैमिली भी पाकिस्तान से अमेरिका फ्लोरिडा ऑरलैंडो आ रही थी, तो मैं उनकी शाम में फ्लाइट थी, मुझे एयरपोर्ट जाना था, तो मैं जब कुछ रात का खाना उनके रेस्टोरेंट के लिए लेने गया तो अचानक किसी अननोन नंबर से न्यूयॉर्क से मेरे फ़ोन पे कॉल आती है और हेलो, मैंने कहा हेलो, तो अम्मी क्या फ़ोन था कि अदनान तेरा अबू कहाँ है? तो मैंने कहा अबू तो आपके साथ होगा फ्लाइट में, बच्चों सबके साथ होगा। कह रहा वो यहाँ से गुम हो गया है। मेरा क्या हुआ? कह रहा वो दो बच्चों के साथ और ट्रेन में चले गए और गेट बंद हो गए और हम यहाँ पे रो रहे हैं। तो मैंने कहा रुके जिसका मोबाइल है उनसे बात कराएं। तो कोई पोर्टर था बंगाली, तो उनसे बात कराई, फिर उनको फिर जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी उनके गेट पे वहां लेके गए, तो बड़ा अच्छा मजा आया। और आज तक 4 साल हो गया, हम उसको आज तक रिकॉल करके बहुत हंसते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। दोस्तों आपने अदनान की और अदनान की फैमिली के बारे में जाना, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी दूसरी फैमिली के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।